रेलवे सुरक्षा बल, क्रीड़ा संघ व पूर्वोत्तर रेलवे के तत्वाधान में सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में आयोजित 28वीं अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल बास्केटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबला में उत्तर रेलवे ने 27-24 के अंकों से दक्षिण रेलवे को पराजित कर विजेता का खिताब हासिल किया। इस मौके पर पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल ने विजेता एवं उप विजेता की टीम को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया। इस दौरान अपर महाप्रबंधक आनंद प्रकाश, प्रमुख मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल अतुल श्रीवास्तव, मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल डॉक्टर एस के सैनी, CPRO पंकज सिंह सहित वरिष्ठ रेल अधिकारी, खेल प्रेमी एवं रेलवे सुरक्षा बल के जवान उपस्थित थे। अपने संबोधन में पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल ने विजेता एवं उप विजेता टीमों सहित प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी 9 टीमों के खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिता से खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है, जिससे उनकी प्रतिभा का आकलन कर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय टीमों में चयन किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने खेल भावना का प्रदर्शन किया, जिसके लिए खिलाड़ियों एवं आयोजन समिति को बधाई दी गई। इसके पूर्व महाप्रबंधक एवं अन्य वरिष्ठ रेल अधिकारियों एवं खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए प्रमुख मुख्य सुरक्षा आयुक्त अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी टीमों के खिलाड़ियों ने पूरी तन्मयता के साथ अपने कौशल का प्रदर्शन किया, जिसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। परिचय करो, अनिल कुमार, राजेश सैया, अनिल कुमार, करमजीत सिंह, संजीव कुमार, मोहनलाल मैनेजर एल बाला कृष्ण, टीम के कप्तान पी सेंथिल, कलई सेल्वन, अब्दुल गजा, शंकर, राजेंद्र बजरौली, तरुण कुमार, महेंद्र गुर्जर, अनुप मिश्र और एस शानमुगम, मैं मुख्य अतिथि महाप्रबंधक पुरस्कार देता हूँ। I want to introduce full Nord team यहाँ पे आई थी और सीरीज भी हुए थे, क्वार्टर्स हुए, उसके बाद अब ये फाइनल है और जितने भी टीम्स आई उसमें उन लोगों ने काफी मेहनत करके यहाँ कॉम्पिटिशन किया। अभी हमारे यहाँ स्पोर्ट्स कोटा नहीं है, फिर भी उसके बावजूद भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं आरपीएफ में। सो आई वंस अगेन वेलकम ऑल दी ऑफिसर्स एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट दे हैव ऑल कम, ऑल दी प्लेयर्स, ऑल दी मीडिया और जितने लोग आए हैं, थैंक यू वेरी मच। मैं आप सभी का भैया ने दो अंक और जोड़े, अधिकारी लगाए हुए हम लोग, राजेंद्र शर्मा, अरे कहाँ चले गए, अच्छा अरे तुम ना जाओ भाई, तुम आओ इधर आओ और किसी को भेजो, तुम आओ और किसी को और भेजो, तुम रहो यहाँ, माचिस होगा वो जाओ जा सिक्योरिटी गार्ड के पास। ले
सेमीफाइनल जो मैच हुआ था एनी रेलवे जैसे बेहतरीन साथ, बहुत बढ़िया साथ रहा। सेमीफाइनल नॉर्दर्न रेलवे वर्सेज ईस्टर्न रेलवे का हुआ था, जिसमें नॉर्दर्न रेलवे विजेता हुई थी। जो सेमीफाइनल में जो लूजर टीम थी एनईआर और ईस्टर्न रेलवे, और ये अंक बराबर हो गया 24-24, बहुत ही कड़ा मुकाबला है। ऐसे समय में अंपायरों को भी बड़ी पैनी निगाह रखनी पड़ती है कि कहीं आप अपनी टीम को अविलंब भैया पासपोर्ट साइज मेरा भी ले लो। धन्यवाद सर। आईजी कम प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर श्री अतुल, चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर श्री सैनी, सभी उपस्थित विभागाध्यक्ष और अधिकारी वर्ग, विभिन्न रेलों से आए हुए मैनेजर कोच और खिलाड़ी, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन के पदाधिकारी और उनके मेंबर्स, मीडिया से आए हुए प्रतिनिधिगण और मित्रों, 28वीं अखिल भारतीय ईस्टर्न रेलवे आरपीए बास्केटबॉल टूर्नामेंट के समापन समारोह पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भारतीय रेल हमारे देश की लाइफलाइन है और इस लाइफलाइन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आरपीएफ का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आरपीएफ न केवल रेल संपत्ति, रेल यात्री और यात्री परिसर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि साथ ही साथ महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को भी रेल परिसर में सुरक्षा मुहैया कराते हैं और बहुत बखूबी से ये काम निभा रहे हैं। इस काम को करने के लिए आरपीएफ ने बहुत ही लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और इक्विपमेंट्स यूज किए जा रहे हैं, जैसे कि सीसीटीवी है,
मेटल स्कैनर्स हैं, बैगेज स्कैनर्स हैं, मेटल डिटेक्टर्स हैं और 182 हेल्पलाइन है या फिर जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं उसको एनालाइज करना है। और इस सब कामों की वजह से जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे है, न केवल नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, पूरे भारतीय रेलवे में जो रेल संपत्ति है या रेलों पर जो अपराध है उनमें काफ़ी कमी आई है। इसके लिए आप सभी को बधाई। पूर्वोत्तर रेलवे पर खास तौर से जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, यानी कि जो महिलाओं या बच्चों की तस्करी होती है या ड्रगिंग है जिसको कि जहर पुरानी कहते हैं, या फिर रेलवे क्रॉसिंग पर जो घटनाएं होती हैं या रेल जाम लगता है उसको रोकने के लिए या जो अलार्म चेन पुलिंग है उसको कम करने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे पर आरबीएफ ने बहुत ही अच्छा काम किया है और कर रहे हैं। हमारे DGRPF रेलवे बोर्ड ने इस प्रतियोगिता का आयोजन का जो दायित्व हमको सौंपा है उस पर पूर्वोत्तर रेलवे को बहुत गर्व है और इस दायित्व को हमारे आरपीएफ डिपार्टमेंट ने और रेलवे स्टेशनों ने बखूबी निभाया है, उनको इस बात के लिए बधाई। इस टूर्नामेंट में जो कि 4 दिन चला, नौ टीमों ने हिस्सा लिया और सर्वप्रथम मैं इस टूर्नामेंट की जो विनर टीम है उत्तर रेलवे उनको उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई देना चाहूँगा। लेट्स गिव देम अ बिग हैंड। उसके बाद जो रनर सब टीम है उनको भी उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के लिए बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ जो विभिन्न रेलों से जो टीमें आई हैं उनके मैनेजर्स को, कोच को और खिलाड़ियों को भी जो उन्होंने इस टूर्नामेंट के दौरान खेल भावना का प्रदर्शन किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजन करने के लिए सभी आयोजकों को बधाई। जैसा कि आप में से काफ़ी लोगों को विदित है, अभी स्पोर्ट्स के लिए आरपीएफ को एक अलग जोन बना दिया गया है। आरपीएफ में हमारे भारतीय रेलवे में करीब 55,000 की स्ट्रेंथ है तो उसको अभी एक अलग जोन डिक्लेयर किया गया है स्पोर्ट्स के लिए। इसका मतलब है कि जो हमारे इंटर रेलवे स्पोर्ट्स होते हैं उसमें आरपीएफ की एक अलग से टीम रहा करेगी और हमारे आरपीएफ के जवानों को भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ रेलवे ने ये भी घोषणा की है कि आरपीएफ में स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत अलग से भर्ती की जाएगी जिससे कि अच्छे खिलाड़ी आरपीएफ में आ सके और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना और रेलवे का नाम ऊंचा कर सके। अंत में एक बार फिर आप सबको बधाई, धन्यवाद।